हेलो दोस्तों, गियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक टायर से जुड़ा हुआ है। देखिए, टायर हम मार्केट से न्यू लेने जाते हैं जब, ठीक है, बाइक में आपने, कार में, ठीक है, टायर डलवाने हैं, वहां पे मार्केट में जब जाते हैं तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। तो वो बोलते हैं कि इस स्पेसिफिकेशन वाला टायर डाल दें या इस स्पेसिफिकेशन वाला, तो हमें पता ही नहीं लगता। पता तब चले कि अगर स्पेसिफिकेशन पता हो कि ये है क्या। तो आज हम वो जानने लगे हैं कि किस तरह से इस स्पेसिफिकेशन को समझना है। जैसे ये यहाँ पे लिखा 195/55R1687V, इसको हम समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। बड़ा ही आसान है, बड़े इजी वे से समझ आ जाएगा आपको। ये हमारे पास कोई मान लीजिए स्पेसिफिकेशन है इस तरह की, तो इसको आराम से समझेंगे किस तरह से। देखिए 195, तो 195 क्या होता है, ये 195 होता है इसकी विड्थ, जो टायर होता है, टायर की जो विड्थ होती है एमएम में, ठीक है, मिलीमीटर में इसकी विड्थ होती है। अब इसकी विड्थ जो है 195 mm है। अब इसकी विड्थ चेंज हो सकती है। देखिए, टायर आप डलवाने जाते हैं तो आपको पूछते हैं, ठीक है, एक तो होता है कि कंपनी ने एग्जैक्टली दे दिया कि इस साइज वाला जो टायर है वो बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए ये चीज अच्छी है। लेकिन हम कहां टलते हैं, हम तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो इसे चेंज कराएंगे। कई लोग मॉडिफिकेशन में पड़ जाते हैं, उन्होंने जो चीज दी होती है ना वो हमारे लिए बेस्ट होती है। किस तरह से, पावर के हिसाब से, फ्यूल कंजप्शन के हिसाब से, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि तेल कम से कम लगे, ज्यादा दूर जाएं हम, ठीक है, यही होता है, एवरेज ज्यादा दी गाड़ी। लेकिन हम क्या करते हैं, शौक में इसकी विड्थ ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि विड्थ ज्यादा करने से गाड़ी की लुक अच्छी आने लग जाती है। हम कहते हैं विड्थ ज्यादा वाला डाल दो, तो वो विड्थ ज्यादा वाला जो टायर है वो सरफेस कॉन्टेक्ट ज्यादा बनाता है, ठीक है, जो जमीन है उसके साथ ज्यादा सरफेस कॉन्टेक्ट बनाता है। नो डाउट की लुक अच्छी आती है, उसमें ग्रिपिंग अच्छी होती है, ठीक है, गाड़ी की ग्रिपिंग अच्छी होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, उसके फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंपनी वालों ने एग्जैक्ट दे रखा होता है कि ये गाड़ी है तो इस स्पेसिफिकेशन वाला जो टायर होगा वो सबसे अच्छा होगा इसके लिए, लेकिन हम नहीं मानते ना, ठीक है। देखिए 195 वाला समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अगला है 55 जो होती है इसकी यहां से लेके यहां तक की हाइट होती है, ठीक है, ये क्या है, 55 mm में नहीं होगा, इस चीज को आप याद रखें, ये होता है परसेंटेज में, परसेंटेज किसकी, इसकी विड्थ की परसेंटेज। जैसे 195 है तो इसका 55%, तो जो विड्थ होगी, ठीक है, उसका 55%, तो ये हमारे पास क्या होता है यहां पे। तो हमेशा ये कभी भी नहीं होगा कि एमएम में दें या कुछ, और कार हो, टायर, इसके बाइक के टायर हो, ठीक है, किसी के टायर हो, कार के हो, बाइक के हो, हमारे पास इसके स्पेसिफिकेशन सेम रहती है, यही रहेगी, परसेंटेज में आएगी। तो हाइट का रेशियो होता है, ठीक है, इसके साथ इसका रेशियो। अगर यहाँ पे मैं मान लो 40 लिख दूं तो इसका 40% बन जाएगा, अगर 50 लिख दूं तो इसका 50% ये हाइट बन जाएगी। अब ये हाइट देख लो, हाइट क्या देती है, एक्चुअली कुशनिंग इफेक्ट देती है। कुशनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि राइड जो है स्मूथ, अगर खड्डा आएगा तो उसमें आपको झटका नहीं महसूस होगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये गद्दा है, तो गद्दे की मोटाई जो है ना वो किस डिपेंड करेगी ना, अगर गद्दे की मोटाई ज्यादा है तो हमें कंफर्ट ज्यादा मिलेगा, अगर गद्दे की मोटाई कम है तो हमें कम कंफर्ट मिलेगा। हम जंप करते हैं, अगर मोटा गद्दा है, जंप करते हैं तो हमें कुशनिंग इफेक्ट मिलता है, वो कुशनिंग इफेक्ट यहां पे मिल सकता है। और ये ज्यादा होने से, अब ये हम कहते हैं चलो यार कुशनिंग इफेक्ट तो ज्यादा होना चाहिए, हम कुशनिंग इफेक्ट ज्यादा के लिए हम इसकी परसेंटेज ज्यादा वाले ले लेते हैं, लेकिन इसमें से फिर अगेन टॉर्क, इसके कारण टॉर्क बढ़ जाती है गाड़ी की, ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटू रेडियस होता है टॉर्क, तो टॉर्क ज्यादा होगी तो उसके कारण इंजन का फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। फिर से वही बात कि वो क्या करेंगे कि स्पेसिफिकेशन सही चूज करके ही आपको दी होती है, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से चलना चाहते हैं लेकिन कंपनी वालों ने जो स्टडी कर रखी है उन्होंने अलग से कर रखी है, तो इसके ये होता है 55। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए आर, ठीक है, 195 हो गया, 55 हो गया। आर क्या है, रेडियल कंस्ट्रक्शन। रेडियल कंस्ट्रक्शन क्या है, ये अलग अलग होती है, एक होती है रेडियल, एक होती है क्रॉस प्लाई। इसकी कंस्ट्रक्शन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसकी कंस्ट्रक्शन अलग अलग होती है, मोस्टली आपके पास जो टायर्स होंगे वो रेडियल्स होते हैं, रेडियल टायर होते हैं, और देखिए अलग अलग है तो ज्यादा डिटेल में जा रहा अभी आपको ये बता रहा हूं। अगर ये आर नहीं लिखा तो ये क्रॉस प्लाई होता है, लेकिन आर अगर लिखा तो वो रेडियल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 16, ये 16 क्या है, ये देखिए यहां से लेके यहां तक का डायमीटर,
ये होता है एक्चुअली रिम का डायमीटर, ठीक है। ये रिम है ना, जो इसका डायमीटर जो होगा वो ही हमारा इसका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर टायर का जो इंटरनल डायमीटर है इसका डायमीटर अलग अलग होंगे तो वो फिट नहीं आएगा ना, तो हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इसलिए वो इसके साथ रिम का डायमीटर भी बता देते हैं कि ये वाला टायर जो इतने इंच वाले रिम पे पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, रिम बड़ा लगाना चाहते हो, ठीक है, चेंज कई लोग करवाते हैं, पूरा पूरा व्हील ही चेंज करवाते हैं, टायर उसमें चेंज हो जाएंगे, ठीक है, बड़ा व्हील डलवाना चाहते हैं, कई सोचते हैं कि इसका बड़ा व्हील हो, है ना, कई सोचते हैं छोटा व्हील हो, विड्थ ज्यादा हो, तो वो मॉडिफिकेशन जो है वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 होता है, किसका, ये होता है हमारे पास रिम का ये डायमीटर, उस हिसाब से ये टायर का डायमीटर भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है 87, यहाँ पे एक वर्ड एक रह गया 87। ये 87 क्या है, ये है हमारे पास लोड इंडेक्स, लोड कितना सहन कर सकती है, ठीक है। टायर अलग अलग है ना यार, अब मैं मटेरियल के हिसाब से वो मटेरियल अलग अलग लगेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन अलग होगी, तो वो लोड कितना सहन कर सकता है, तो 87 है। यहाँ पे ये देखिए चार्ट है, 50 वाला अगर कोई नंबरिंग दे रखे 190 केजी तक वो सहन कर सकता है। अब 87 है, 87 वाला देखते हैं, तो 87 वाला यहाँ पे तो 545 केजी तक ये टायर सहन कर सकता है, ठीक है। तो भार कितना डाल सकते हैं इसके ऊपर ये हमें बता देता है, ठीक है, उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। लास्ट रह गया वी, अब वी क्या चीज है, अब इसमें वी क्या है, वी है हमारे पास स्पीड रेटिंग। स्पीड रेटिंग का मतलब ये टायर कितनी स्पीड तक जाएंगे, ठीक है, अच्छा है इस स्पीड तक लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको यार मैं तो ज्यादा स्पीड में चला सकते हैं लेकिन उसमें ज्यादा फ्रिक्शन के कारण वो घिस जाएगा, खराब हो जाएगा, फायदा क्या। तो हमें पता होनी चाहिए हमारी रेटिंग क्या है इस जो टायर की, तो हमारे पास वी है, तो इसमें देखिए A1 A2 यहां से शुरू हो रहे हैं सारे, तो हमारे पास क्या है वी, वी देखिए वी जो है 240 किलोमीटर तक चल सकता है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकता है। तो ये अलग अलग होता है, तो जैसे एक्टिवा है, ठीक है, स्कूटर है एक्टिवा, तो जे उस पे नॉर्मली जे लिखा होता है, तो जे वाला जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है, ठीक है, इतने पे चल सकता है। तो ये रेटिंग के हिसाब से आपको समझ आ जाएगी किस हिसाब से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी, अगर समझ आ गई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको इसके बारे में कोई और डाउट है, ठीक है, और आपको समझ आया या नहीं आया ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। मेरी बनाई हुई और वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट, तो अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी।